हम अक्सर फिल्मों में जादुई लोगों को देखते हैं जिनके शरीर में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। वहीं कुछ फिल्मों में लोगों के शरीर से विचित्र चीजें बाहर निकलती हैं, जैसे पंख, चोंच या मकड़ी। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी में मौजूद कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके शरीर से निकली अजीबोगरीब चीजों ने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। शख्स के पेट में मिला जुड़वा भाई। यकीनन आपने इससे पहले ऐसा चौंकाने वाला मामला कभी नहीं सुना होगा जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में उसका ही जुड़वा भाई पल रहा था। संजू भगत नामक एक किसान अपने रोजमर्रा के काम किया करता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसके पेट का मोटापा भी बढ़ता ही जा रहा था। शुरुआत में उन्होंने अपने पेट के मोटापे पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखते ही देखते उनका पेट किसी गर्भवती महिला की तरह दिखने लगा। कुछ समय बाद संजू को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया। एक्सरे के बाद जब डॉक्टर्स ने संजू की सर्जरी की तो उन्हें पेट में एक प्री मैच्योर बेबी जुड़ा हुआ मिला। दरअसल ये खास तरह की साइंटिफिक स्थिति है जिसे फीटस इन फेटू के नाम से जाना जाता है। ऐसे में जब कोई बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उसका जुड़वा उसी बच्चे के शरीर के अंदर चला जाता है और एक सामान्य भ्रूण की तरह बढ़ने लगता है। इसी तरह संजू जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनका जुड़वा भाई उनके पेट के अंदर चला गया और उसी के अंदर बढ़ने लगा। हालांकि डॉक्टर्स ने संजू का सफल ऑपरेशन करके उनके जुड़वा भाई को पेट से अलग कर दिया। पेट में अटका डॉक्टर का औजार। डायोश मजारे नामक एक व्यक्ति को काफी दिनों से पेट में दर्द था, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गया और एक छोटी सी सर्जरी करवाई। लेकिन सर्जरी के बाद भी उस व्यक्ति को 2 महीनों तक लगातार पेट में तेज दर्द होता रहा, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास फिर गया। डॉक्टर ने कहा कि ये दर्द सर्जरी का साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन शख्स की हालत बिगड़ने पर उसका एक्सरे करवाया गया। एक्सरे से पता चला कि डारियोश के पेट में 5 इंच लंबा रिट्रैक्टर फंसा हुआ है जो डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान गलती से छोड़ दिया था। इसके बाद डारियोश की दोबारा से सर्जरी की गई और उनके पेट से रिट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। इस दौरान डॉक्टर से हुई गलती के लिए अस्पताल प्रशासन ने डारियोश से माफी मांगी और उन्हें $1,00,000 हर जाने के रूप में दिए। इसके साथ ही अस्पताल ने डारियोश की पूरी सर्जरी मुफ्त में की और उनसे केस को कोर्ट में ना ले जाने का निवेदन किया। आंत में फंसी जिंदा लंग फिश। अब हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, डॉक्टर्स ने उसके शरीर से जिंदा लंग फिश को बाहर निकाला। दरअसल ब्राजील में रहने वाला एक युवक लंग फिश से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मछली उसके पिछले हिस्से से होते हुए पेट के अंदर चली गई और आंतों में फंस गई। वो मछली कई घंटों तक युवक के पेट में उथल पुथल करती रही और आखिर में आंतों में फंसने के बाद उसकी रफ्तार कम हुई, जिसके बाद युवक जल्दी से डॉक्टर के पास गया और सर्जरी की मांग की, जिसके बाद डॉक्टर्स ने तुरंत उसका ऑपरेशन करके आंतों में फंसी लंग फिश को बाहर निकाला। आपको बता दें कि लंग फिश लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, लेकिन एक मछली से संबंध बनाने की कोशिश करना उस युवक की गंदी सोच को दर्शाता है। पेट में फंसे चम्मच और फोक। नीदरलैंड में रहने वाली 10 साल की बच्ची मार्गरेट डालमैन को अचानक तेज पेट दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉक्टर्स ने पेट का एक्सरे किया। इस दौरान ये पता चला कि मार्गरेट के पेट में 78 चम्मच और फोक हैं, जिसे वो खाना खाने के दौरान खा गई। दरअसल मार्गरेट एक खास तरह की मानसिक बीमारी का सामना कर रही थी, जिसमें इंसान मेटल से बनी चीजें यानी बर्तनों को निगल जाता है। हालांकि डॉक्टर्स ने समय रहते मार्गरेट का ऑपरेशन किया और उसके पेट में मौजूद मेटल की चीजों को बाहर निकाल लिया। शरीर में मिला मैग्नेट ही मैग्नेट। आजकल बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह की चीजें बाजार में मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी ये चीजें बच्चों के लिए दर्द का सबब बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 8 साल की हेली के साथ, जो काफी दिनों से पेट के दर्द से परेशान थी। जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो एक्सरे में पता चला कि उसके पेट में मैग्नेट का एक गुच्छा मौजूद है। हेली लंबे समय से खेल के लिए इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट बॉल्स को खा रही थी, जो उसे टॉफी की तरह लगते थे। हालांकि डॉक्टर्स ने समय पर हेली का ऑपरेशन करके उसके पेट से पूरे 30 मैग्नेट बाहर निकाले, जिससे उस बच्ची की जान बच गई। पेट में मिली मेटल की चीजें।
आम तौर पर जब कोई इंसान खाने में कुछ गलत खा लेता है तो वो उसके पेट से होते हुए मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान कील, सिक्के, चांदी की चेन, स्क्रू, सेफ्टी पिन और मंगलसूत्र जैसी चीजें खा जाए तो उसका क्या होगा? दरअसल साल 2018 में संगीता नामक एक महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची। जब डॉक्टर्स ने उसके पेट का एक्सरे किया तो वो हैरान रह गए। संगीता के पेट में एक या दो नहीं बल्कि चांदी और लोहे से बनी 150 चीजें मौजूद थी, जिसमें सिक्के से लेकर मंगलसूत्र और चेन तक शामिल थी। संगीता एक्यूफागिया नामक बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें इंसान को लोहे या मेटल से बनी चीजों को खाने का मन करता है। संगीता ने बीते सालों में इतना मेटल खा लिया था कि जब उसे बाहर निकाला गया तो उसका वजन 1.5 किलोग्राम से ज्यादा था। डॉक्टर्स ने संगीता के पेट से मेटल तो बाहर निकाल दिया, लेकिन सेफ्टी पिन खाने की वजह से उसकी आंतों को काफी नुकसान हुआ था। तो ये थे वो लोग जिनके पेट से डॉक्टर्स को अजीबोगरीब चीजें मिली। यकीनन इनमें से ज्यादातर मामले बीमारी की वजह से सामने आए, लेकिन इस तरह के केस से पता चलता है कि इंसान कभी भी किसी भी अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो सकता है। लिहाजा अपने खानपान का ध्यान रखें और हमेशा स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।